ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा मतदान कर रहा है और जो दिग्गज हैं वो तो वोट डाल ही रहे हैं, तो सुबह सुबह हरियाणा की राजनीति के जो दिग्गज हैं जिन्होंने वोट डाला है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं कुमारी शैलजा, आदित्य सुरजेवाला और तमाम नेता जो वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए क्या कुछ का, आइए सुनवाते हैं। नागरिकों को, हरियाणा वासियों को अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, सब वोट डालें, एक नई अच्छी साफ सुथरी सरकार बनाएं जो लोगों की सरकार हो और वो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आज भाजपा के दिन लद गए हैं, 10 साल इन्हें मिले लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है। आप कहीं किसी गली में चले जाइए, हिसार की गली में चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, शहर में कहीं भी आप देखिए या पूरे हरियाणा में जो बदहाली हो गई है हमारे राज्य की, आज लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। वो कांग्रेस की ओर देखकर वोट ना मांगे, वो अपनी अगर कोई उपलब्धि हो वो गिनाकर वोट मांगने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष जी भी आए और सभी लोग लगे हुए हैं, हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पर लगा हुआ है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक मार्क्सिस्ट के हिस्से आई है, हमारा अलायंस है, 90 की 90 सीटें।